Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to solve activity number 1 of for the chapter 2 of 11th Commerce, Bookkeeping and Accountancy for sure. Activity number 1 will be seen on the page 25 of your textbook. तो ये एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे. ऑल द रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये पूरे टेबल्स हम क्रिएट करके पोस्टिंग भी करेंगे पूरे वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड द जो एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ऑन गोल्डन रूल्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रियलाइज और अंडरस्टैंड बेसिकली कि हमने गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और जो इलस्ट्रेशन एक्टिविटी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ, उसमें भी हमने देखा है कि कैसे एंट्रीज सम को अंडरस्टैंड करना है, उनके जो अकाउंट्स लेने हैं, एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड वंस अगेन आई विल रीड आउट फॉर यू. पर्सनल अकाउंट्स के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और ये गोल्डन रूल्स अगर हम याद रखेंगे तो आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स हो अकाउंट्स के, हमें बहुत ही फायदेमंद होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट सॉल्विंग द एक्टिविटी नंबर 1 चिल्ड्रन यहाँ पे. सो दिस इज द क्वेश्चन. ऑलरेडी हमने थोड़े बहुत सॉल्व किए हैं इलस्ट्रेशन में, फिर से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द एंट्री एंड देन वी विल ऑल्सो पोस्ट देम साइमल्टेनियसली. ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी हमको बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासीफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल्स. तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा फॉर्मेट रेडी है. फर्स्ट दे आर आस्किंग अस अबाउट टू एस्पेक्ट्स, देन टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स, एंड देन टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासीफाई द अकाउंट. स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो हमारा एस्पेक्ट 1 और 2 है, ये सेकेंड में भी रिपीट हो रहा है, थर्ड में भी रिपीट हो रहा है, फिर सेकेंड में जो 2 अकाउंट्स है वो थर्ड में भी रिपीट हो रहा है. तो बेसिकली योर एस्पेक्ट शुड बी परफेक्टली करेक्ट, एंड वेन यू पोस्ट इट इन द सेकेंड कॉलम, दैट इज 2 एस्पेक्ट एंड 2 अकाउंट्स, योर अकाउंट शुड बी करेक्ट. And when both these things are correct, you have to put both the things in the third column as well, and then you have to classify the accounts. ठीक है, तो it becomes very important for us कि हमारी जो basic foundation वाला first column है, 2 aspects वाला, वो correct हो. ठीक है, so without delaying much children, let's go to the question now. यहाँ पे सबसे पहले है started business with cash. So whenever a person or you can say a proprietor starts the business, obviously what comes in? Cash. So what comes in will be the first aspect, that is your cash comes in. ठीक है, और कौन दे रहा है ये? Definitely the owner or the proprietor. Sorry. तो हम लिखेंगे first cash aspect number 1 में लिखेंगे cash comes in. Let's go to the format. यहाँ पे हम लिखेंगे कैश कम्स इन, एंड एस्पेक्ट 2 होगा हमारा हु ब्रिंग्स इन, हु इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर. सो प्रोप्राइटर इज द गिवर. ठीक है, सो द फर्स्ट एस्पेक्ट, आई मीन टू से एस्पेक्ट 1 एंड एस्पेक्ट 2 आर क्लियर टू अस. ठीक है, तो जाते हैं हम सेकेंड की तरफ. परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर परचेज क्या किया है. ओके, व्हाट हैव बीन परचेज, तो यहाँ पर मशीनरी परचेज हुई है. सिर्फ परचेज्ड गुड्स होता तो बात अलग होती, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है दैट यू हैव परचेज्ड मशीनरी. तो व्हाट इज कमिंग इन, डेफिनेटली मशीनरी कम्स इन. नाउ यहाँ पे ऑन क्रेडिट, एंड इवन द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम इट इज परचेज्ड इज गिवन, दैट इज मिस्टर अविनाश. तो हमारा एस्पेक्ट क्या होगा, अविनाश विल बी द सेकेंड बिकॉज ही इज द गिवर. तो हमारे
our first aspect will be machinery comes in. I'll write here machinery comes in, and from whom have been purchased? Avinash. Avinash definitely is the creditor, तो हम यहाँ लिख देते हैं Avinash is the giver. ठीक है, सो ये हमारा हो गया एस्पेक्ट वन एंड टू ऑफ द एंट्री सेकेंड. सो लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट, परचेज गुड्स. नाउ चेक दिस आउट वेरी केयरफुली. यहाँ पर उन्होंने कॉमनली बोला है परचेज गुड्स, सो डेफिनेटली परचेजेस इज एन एक्सपेंस. एंड फ्रॉम राहुल तो है लेकिन ऑन कैश है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे राहुल की थियोरी खत्म हो जाती है क्योंकि आपने परचेज किया है गुड्स ऑन कैश. सो कैश गोज आउट एंड परचेजेस इज एन एक्सपेंस बिकॉज यू आर परचेजिंग गुड्स इन कॉमन. सो लेट्स एंटर दिस परचेजेस इज एन एक्सपेंस. ओके, परचेज लिख सकते हो आप. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज कैश, कैश गोज आउट. ठीक है, टिल हियर आई होप द एस्पेक्ट्स आर वेरी क्लियर टू यू. लेट्स गो टू द फोर्थ वन. सोल्ड गुड्स टू अनिकेत, अनिकेत रुपीज 6,000 ऑन क्रेडिट. ठीक है, सो हु हैज रिसीव्ड द गुड्स? डेफिनेटली अनिकेत ऑन क्रेडिट फॉर श्योर, लेकिन हु इज रिसीविंग इट? अनिकेत. सो अनिकेत इज द रिसीवर, है ना. एंड वॉट हीज बीन हैपनिंग हियर? सेल हैज बीन टेक, मतलब सेल टेक प्लेस कर रहा है, सोल्ड गुड्स हियर, तो सेल्स डेफिनेटली इज एन इनकम. तो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट होगा अनिकेत इज द रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम. तो फर्स्ट एस्पेक्ट लिख देते हैं बिकॉज यू आर सेलिंग गुड्स टू अनिकेत एंड अनिकेत इज द रिसीवर. अनिकेत इज द रिसीवर एंड यू हैव सोल्ड गुड्स टू अनिकेत, तो सेल्स हैज बीन टेकन प्लेस, सो सेल्स इज एन इनकम. ठीक है, तो हमारे एस्पेक्ट्स बहुत क्लियरली अपनी जगह पर बैठ रहे हैं. ठीक है, लेट्स गो टू द फिफ्थ वन. पेड सैलरी, स्टूडेंट्स यू आर पेइंग सैलरी, तो डेफिनेटली सैलरी क्या है? यू आर पेइंग समथिंग, कैश इज गोइंग आउट, है ना. तो फर्स्ट है सैलरी पे हो रहा है, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, करेक्ट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी इज एन एक्सपेंस. एंड वेन यू आर पेइंग सैलरी डेफिनेटली योर कैश गोज आउट, कैश गोज आउट. ठीक है, सो आई जस्ट एंटर. यहाँ सिक्स ट्रांजेक्शन्स है, प्रीवियस वाला जो हमने डिस्कस किया था वो फाइव ट्रांजेक्शन्स वाला था, इसीलिए फॉर्मेट फाइव ट्रांजेक्शन्स के लिए ही बना था. सो इस प्रॉब्लम में हमको छः एंट्रीज है, तो डेफिनेटली आई जस्ट इंक्रीज दैट. तो यहाँ पर सिक्स्थ वन भी लिख देते हैं. वॉट इज द क्वेश्चन? ओके, सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर रुपीज 3,000. तो आपने सेल किया है ओल्ड टेबल्स. ओल्ड टेबल्स मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ योर यू नो फर्नीचर ओनली, स्पेसिफिकली ओल्ड टेबल अकाउंट तो नहीं दिखा सकते ना, तो फर्नीचर में ही जाएगा वो. तो यहाँ पर बट यू आर सेलिंग, तो क्या हो रहा है? वन, कैश इज कमिंग इन. सेकेंड, आपका ओल्ड टेबल यू नो और यू कैन से इज गोइंग आउट. सो ओल्ड टेबल जो है आपका आपके सेल्स के थ्रू बाहर जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वन, दैट कैश कम्स इन. सेकेंड, योर ओल्ड टेबल गोज आउट. तो लेट्स राइट कैश कम्स इन और यहाँ पे ओल्ड टेबल गोज आउट. टू मेक इट मोर डिसेंट यू कैन राइट फर्नीचर्स चिल्ड्रन, क्योंकि टेबल चेयर ये सारे फर्नीचर में ही आता है.
तो यू कैन राइट फर्नीचर ऑल्सो योर, ठीक है, क्लोज इट. सो दिस इज योर टू एस्पेक्ट वाला कॉलम जो परफेक्टली बनकर रेडी है. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट. आई जस्ट मेक इट लिटिल डिसेंट हियर, क्योंकि हमारा 5 रोज का था, नाउ इट हैज बिकम 6 ना, सो लेट इट लुक गुड. सो दिस इज हाउ यू टू राइट द टू एस्पेक्ट्स. नाउ दिस वंस यू फिनिश विद दिस टू एस्पेक्ट्स, द सेकेंड कॉलम टेल्स अस अबाउट टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट. स्टूडेंट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो रिपीट होंगे. दिस एस्पेक्ट्स विल गेट रिपीटेड. जैसे कि यहाँ मैं फर्स्ट वन लिख के बताती हूँ आपको, जैसे कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर, ठीक है, तो हमको वो लिखना है. फर्स्ट आई राइट डाउन टू एस्पेक्ट्स हमें कैसे लिखना है. यही दो एस्पेक्ट, एस्पेक्ट वन और एस्पेक्ट टू. सो विल राइट कैश कम्स इन एंड सेकेंड प्रोप्राइटर इज द गिवर. I'll just show you in typing for the first two entries, children, because otherwise the video will be very long. We'll be keeping, you know, just typing only. We'll be busy typing only. So it is better that first two entries मैं ये type करके बता रही हूँ आपको. Then we will enter this all the remaining entries directly. तो two accounts के लिए हमको करना क्या है? तो जैसे ही आपने टू aspects लिखा, cash comes in and proprietor is the giver. The two accounts which are applicable is one is your कैश अकाउंट, है ना, यहाँ डैश कर सकते हो, बट इफ आई विल पुट डैश देन इट विल, यू नो, एक्सेल में है तो डेफिनेटली इट विल शो सम फॉर्मूलाज, तो मैं वहाँ कुछ नहीं लिखूंगी. एक अकाउंट जो अफेक्ट होता है वो है कैश अकाउंट, और प्रोप्राइटर इज द गिवर. डेफिनेटली वी विल नॉट राइट प्रोप्राइटर्स अकाउंट, तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट एज कैपिटल. Okay, we have to capital account. Okay, so इसको ही हम okay, because we have just drawn a line in between, but it is not getting into the different column. We will check it out later on. So this is how you are supposed to write, students. So two aspects हमने लिखा है, cash comes in, proprietor is the giver. तो दो account जो affect होते हैं, एक है आपका cash account और दूसरा है आपका capital account, ठीक है. Then second one is your machinery comes in and Avinash is the giver. तो यहाँ पर लिखेंगे machinery comes in एंड सेकेंड में लिखेंगे अविनाश, अविनाश इज द गिवर, ठीक है. सो इन दिस केस द फर्स्ट अकाउंट विच इज अफेक्टेड इज योर मशीनरी अकाउंट, करेक्ट. यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, करेक्ट. एंड सेकेंड इज योर अविनाश अकाउंट. एक्सक्यूज मी योर, बिकॉज आई हैव रिटन योर, बट इसको मैं दूसरे कॉलम में लेकर जाऊंगी, बिकॉज अविनाश अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर श्योर, ठीक है. वाई? बिकॉज देर इज अ टेक्निकल एरर हियर, सो दैट्स वाई. बट सी, दिस इज हाउ इट शुड लुक चिल्ड्रन. दो अकाउंट जो अफेक्ट होते हैं, मशीनरी अकाउंट और अविनाश अकाउंट, ठीक है. सो नाउ ये जो थर्ड वाला जो एस्पेक्ट है, इसको मैं कॉपी करूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग अननेसेसरीली, बिकॉज फर्स्ट टू को आपको क्लियर हो चुका है. सेकेंड है कैश गोज आउट, तो यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप कॉपी पेस्ट मत करो, यू लिटरली सॉल्व इट चिल्ड्रन. ओके, तो थर्ड वन जो है हमारा जो अफेक्ट होता है वो है परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. तो यहाँ हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट, ओके. So I will just take it to the next column. As I told you, I have to do this manually. So this is about the third one, students, purchase. Fourth है हमारा, Aniket is the receiver. Copy, paste.
एंड सेल्स इज एन इनकम. तो हमको ये एस्पेक्ट्स लिखने ही है. देन विच आर द टू अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड हियर इज वन इज योर अनिकेत्स अकाउंट एंड सेकेंड इज सेल्स अकाउंट. तो यहाँ मैं लिखती हूँ अनिकेत्स अकाउंट, अनिकेत्स अकाउंट, सेकेंड इज सेल्स अकाउंट. ओके, टिल नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाई आई एम टेकिंग इट हियर, बिकॉज इट शुड कम इन द नेक्स्ट कॉलम. ठीक है. देन फिफ्थ इज सैलरी इज एन एक्सपेंस. आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक है आपका सैलरी अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट. सो आई जस्ट राइट हियर सैलरी, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ठीक है. तो कैश को दूसरी तरफ ले जाएंगे जल्दी से, सो दैट विल नॉट हैव एनी इश्यूज. ठीक है. यस यस आई नो देर इज द सिक्स्थ एंट्री ऑल्सो, सो विल राइट हियर सिक्स्थ वन. द सिक्स्थ एंट्री इज कैश कम्स इन, कॉपी पेस्ट एंड ओल्ड टेबल या फर्नीचर गोज आउट आप लिख सकते हो, पेस्ट. तो यहाँ पे जो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक होगा आपका कैश अकाउंट, होगा आपका कैश अकाउंट और दूसरा आपको लिखना है फर्नीचर अकाउंट स्टूडेंट्स, बिकॉज ओल्ड टेबल्स अकाउंट करके आप अकाउंट ओपन तो नहीं कर सकोगे. तो इट विल बी बेटर, आई जस्ट मेक दिस लाइन लिटिल बिगर. ओके, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू, यस आई एम गोइंग टू डू दैट. आई एम गोइंग टू इंक्लूड द अदर थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड व्हेन वी विल मेक इट लुक सिस्टमैटिक जस्ट लाइक द अबव वन. ठीक है. सो दिस इज हाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट. ठीक है. आई जस्ट टेल यू वंस अगेन टू एस्पेक्ट्स. जो यहाँ पर एस्पेक्ट ऑलरेडी हमने लिखे थे वही हमने यहाँ लिखा है, सिर्फ हमने टू अकाउंट्स अब ऐड किया है. तो जैसे सारे अकाउंट्स यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं, कैश अकाउंट एंड हियर आई हैव टू मेंशन फर्नीचर्स अकाउंट. ठीक है. नाउ द थर्ड कॉलम जो बताता है, वो बताता है कि टू एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए और दो टू अकाउंट्स भी होने चाहिए जो अभी हमने इधर ऐड किया है, और तीसरे में आएगा क्लासिफिकेशन कि वो अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है. ठीक है. तो ये जो टू एस्पेक्ट्स वाला है ये मैं क्विकली लिख देती हूँ फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन्स के लिए, सो दैट यू विल ऑल्सो राइट ऑन द अदर साइड एंड यू विल अंडरस्टैंड इट फॉर श्योर. ओनली आई जस्ट मैंशन इट चिल्ड्रन, ओनली बिकॉज द वीडियो शुड नॉट गेट वेरी यू नो लॉन्ग जस्ट टू कीप टाइपिंग, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. अदरवाइज प्लीज सॉल्व इट प्रॉपरली, बट आई राइट द फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन्स फॉर यू. कैश कम्स इन, कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द, प्रोप्राइटर इज द गिवर. ओके. मशीनरी कम्स इन, कम्स इन, अविनाश इज द, अविनाश इज द गिवर. ठीक. बाकी जो है इन दोनों को मैं कॉपी करूंगी एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर. ठीक है. देन यहाँ पर आएगा फोर्थ एंड द फोर्थ वन इज अनिकेत एंड सेल्स इज एन इनकम. फोर्थ वन आई जस्ट राइट इट हियर. अनिकेत इज द रिसीवर, सेल्स इज एन इनकम. देन फिफ्थ वन ऑल्सो आई जस्ट कॉपी एंड राइट हियर, पेस्टेड अनिकेत. आई नो द सेम थिंग हैज बीन पेस्टेड, आई जस्ट डिलीट इट. अनिकेत वाला हमने ऑलरेडी लिखा है, ये दो बार रिपीट हो चुका है. आई थिंक फिफ्थ वन इज सैलरी वाला, सॉरी. फिफ्थ वन आई रोट सैलरी एंड कैश, बट आई सैलरी इज एन एक्सपेंस है ये, सॉरी फॉर दिस सैलरी, एक्सक्यूज मी फॉर दिस.
सैलरी इज एन एक्सपेंस, इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, कैश goes out. Kindly cross check your entries also students, only because it got copied twice, but I made the correction right now. It's correct now, salary account to cash account. ठीक है, तो हमारा fifth one जो है वो है salary is an expense और cash goes out. तो इसको हम यहाँ copy करेंगे, paste. तो यहाँ fifth one कर देंगे, इसको ये delete कर देंगे. ठीक है, now it will look good. Sixth, and what is the sixth? Cash comes in, old furniture goes out, या old table goes out, जिसको हम furniture भी लिखेंगे. So we'll paste it here and bring this sixth number in the center. Students, presentation matters a lot. Kindly focus on presentation also. The more systematically you write, more what do you say? Evaluator gets impressed. आपके notebook पर भी अच्छे से उसको लिखना for sure. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिसेंट कर देते हैं और बॉर्डर भी लगा देते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी फिनिश राइटिंग ऑल द टू एस्पेक्ट्स. अब ये जो टू अकाउंट्स हैं ये भी लिखने हैं. फर्स्ट टू डेफिनेटली आई विल राइट. फर्स्ट टू जो है हमारा वो है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैश अकाउंट और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट. ठीक है, देन सेकेंड मशीनरी टू अविनाश. आई एम टू से मशीनरी, मशीनरी अकाउंट एंड यहाँ पे अविनाश अकाउंट. ठीक है, सो आई एम फीलिंग गुड राइटिंग. थर्ड इज परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट. ये बहुत जल्दी जल्दी करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लिटिल बिट नोट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. फोर्थ है हमारा अनिकेत्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. यहाँ लिखिए अनिकेत्स अकाउंट, ये कैपिटल कर देते हैं एंड सेल्स अकाउंट. ठीक है, देन इट विल बी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट यहाँ कैश अकाउंट. देन कम्स कैश अकाउंट, ओल्ड टेबल्स अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट लिख दो, फर्नीचर ही लिख दो बिकॉज डेफिनेटली फर्नीचर अकाउंट ही हम लिखेंगे. ओके, सो आई फिनिश्ड राइटिंग ऑल द टू अकाउंट्स. अब थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, दैट विल एक्चुअली टेल अस हाउ एक्चुअली क्लासिफिकेशन यू हैव बीन अवेयर अबाउट. ठीक है, तो डेफिनेटली पहला आएगा हमारा कैश अकाउंट. स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. तो जहाँ जहाँ कैश अकाउंट है आप वहाँ रियल अकाउंट लिख सकते हो, बट विल गो इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्या है? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. ठीक है, देन कम्स योर मशीनरी अकाउंट. डेफिनेटली मशीनरी अकाउंट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट. ठीक है, अविनाश नेम ऑफ द पर्सन, पर्सनल अकाउंट. दैट्स वाई द गोल्डन रूल वाला मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया भी था. गिवर, अविनाश इज द गिवर, सो डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट. परचेजेस इज एन एक्सपेंस. ठीक है, तो अगर परचेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट द एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे फॉर परचेजेस. कैश अगेन इज अ रियल अकाउंट. अनिकेत्स अकाउंट, अनिकेत इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, सेल्स इज एन इनकम. डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, तो नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे. देन कम्स योर सैलरी. डेबिट द सैलरी इज एन एक्सपेंस, डेबिट द एक्सपेंसेस, तो डेफिनेटली सैलरी इज अ, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है,
salary is a nominal account. Then comes your cash account, real account again. Then cash account is a real account. यहाँ पर एक दोनों accounts real है obviously. Cash is also a real account and furniture is also a real account. So here we finished with the third column, that is two aspects, two accounts and classify the accounts. Students, this is how you have to present your answer in your paper. Systematically, बहुत आराम से time management के साथ आपको ये solve करना है. Two aspects वाला, two aspects and two accounts वाला, and then lastly all the three together and finish the problem. I hope students you will find the video useful. Keep revising, keep solving. Any questions, put it in the comment section. Definitely we'll come across and solve your doubts. Okay, so take care children. That's it in this video. In the next video we'll come with the next activity. Till then, take care. Thank you so much.